मैं रवि रंजन आप सभी का फिर से एक वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि पोषण ट्रैकर में बच्चों का वजन और लंबाई कैसे हम इंटर करते हैं, क्योंकि पोषण ट्रैकर में वृद्धि निगरानी बच्चों का हमें करना है। उसके लिए सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर खोलेंगे, उसके बाद हम बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। इसलिए बेनिफिशरी रजिस्ट्रेशन में जाते हैं कि यही सूची है जिसमें हमें सभी बच्चों की सूची प्राप्त होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि 6 माह से 3 साल के बच्चे, 0 माह से 6 महीने के बच्चे, 3 साल से 6 साल के बच्चे, मतलब सभी बच्चे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं मॉड्यूल में। अब हमें अगर 6 महीने से 3 साल के बच्चे का वजन और लंबाई हमारे द्वारा ले लिया गया है, पंजी में संधारित भी कर लेना है, साथ में ही पोषण ट्रैकर पे अपलोड करना है, तो उसके लिए हम पहले 6 महीने से 3 साल के बच्चे के मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। जब मॉड्यूल पे हम क्लिक करते हैं तो हमें सूची दिखाई देता है बच्चे के नाम का। इसमें एक सुविधाजनक ये है कि आप देखेंगे कि ABCD के अल्फ़ाबेट के हिसाब से वो अरेंज किया हुआ है, और हम देखते हैं कि जिस बच्चे का हमें करना है उनके अल्फ़ाबेट के हिसाब से हम सर्च कर लेंगे। मान लीजिए कोई मतलब एफ नाम से कोई बच्चा हो, जी नाम से बच्चा हो, तो देखेंगे कि ABCD के अल्फ़ाबेट के हिसाब से जैसे जैसे हम नीचे करेंगे बच्चे का नाम और सूची आता जाएगा। अब इन बच्चों का वजन हम कैसे लेंगे, तो हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ आदर्श कुमार लिखा हुआ है, अब आदर्श कुमार के बगल में 3 बिंदु दिखाई दे रहा है, इन 3 बिंदु को टच करेंगे। जब ये 3 बिंदु को छूते हैं तो इसमें हमें 4 कॉलम दिखाई दे रहा है जिसमें प्रोफाइल अपडेट करें, जानकारी इंटर करें, विकास की निगरानी या ग्रोथ मॉनिटरिंग, और 4th टीकाकरण। यहाँ एक चीज़ आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि हमें बच्चों का टीकाकरण भी अपलोड करना होता है, तो जब कभी बच्चों का टीकाकरण अपलोड करना होगा तो हम टीकाकरण वाले कॉलम में जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग बात कर रहे हैं वृद्धि निगरानी पे, ग्रोथ मॉनिटरिंग पे, तो इसीलिए हम ये 3 बिंदु क्लिक करेंगे, फिर ग्रोथ मॉनिटरिंग को टच करेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमें बच्चे का हाइट लेना है और वो सेंटीमीटर में लेना है, हमें बच्चों का वज़न लेना है और वो किलोग्राम में लेना है। मान लीजिए जिस बच्चे आदर्श कुमार का हमने खोला था उसका हाइट पहले से हमने ले रखा है, उनका वज़न कर रखा है, और उनका वज़न मुझे पाया गया कि उनका वज़न है मतलब 82 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 82 इंटर कर देंगे। अगर पॉइंट में आता है, मान लीजिए 82 पॉइंट उनका 7 है, तो पॉइंट देके हम 7 कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए वज़न है, वज़न उनका 2 kg, 4 kg, 5 kg, जितना भी वज़न हो, है ना। मान लेते हैं इस बच्चे का वज़न अगर 10 kg हो तो हम 10 इंटर कर देंगे, अगर इस बच्चे का वज़न 8 kg होगा हम 8 इंटर कर देंगे, अगर बच्चे का वज़न 8.5 kg होगा तो 8.5 करेंगे। इस प्रकार से जैसे ही हम देखिए वज़न वाले में डाले हैं तो वो वज़न वाला सबमिट का जो ऑप्शन है वो रेड दिखने लगा। इससे पहले देखिए अब ये हटा कर देंगे, यहाँ इंटर नहीं रहेगा, तो सबमिट वाला आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, दोनों कॉलम जब भरेंगे तभी वो सबमिट लेगा। तो हम फिलहाल वज़न डालते हैं 82 सेंटीमीटर और बच्चे का वज़न 8.5 kg। अब इसे हम सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया,
मतलब उस आदर्श कुमार वाले बच्चे में वो इंटर हो गया। आप यहाँ जैसे कि देख रहे होंगे, यहाँ पीला भी दिखाने लगा, यहाँ रेड दिखाने लगा, मतलब इन बच्चों के वजन और हाइट के हिसाब से सूचना दिया जाता है कि कौन बच्चा सैम है और कौन बच्चा मैम है, मतलब वजन के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से। अब इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि हमने आदर्श कुमार का वजन कर लिया, आकाश कुमार का वजन कर लिया, इस माह तो वजन डाल दिए। अगर अगले माह फिर से हमें आदर्श कुमार का वजन करना हो तो इसमें हम वजन करेंगे और परिवर्तन कैसे करेंगे, तो फिर से क्या करेंगे, अगली बार वजन करने के बाद फिर आदर्श कुमार वाले पे तीन बिंदु पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, विकास की निगरानी ग्रोथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन खुलेगा, फिर यहाँ इंटर करेंगे। मान लीजिए कि अगले माह में हमने पिछले माह में 82.5 केजी का बच्चा था, अब इसका फिर से हाइट किया गया तो पता चला कि दो, मतलब उसका हाइट बढ़ गया है, ठीक है। मान लीजिए 82 था, अभी वो 84 हो गया, अब उसका वज़न जो था 8.5 केजी का था, अब वो 9 केजी का हो गया, तो 9 केजी कर देंगे और फिर से उसे हम सबमिट कर देंगे। देखिए आ गया रिकॉर्ड, सफलतापूर्वक अपडेट हो गया। तो इस प्रकार से हम वृद्धि निगरानी का कार्य कर सकते हैं और सभी बच्चों का वज़न हम इंटर कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो में अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार और देख ले, चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम है या समझने में कोई परेशानी हो रहा है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि ये परेशानी है, उसको बता दिया जाएगा।